हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ डजेक्ट्री निकालना उसका डेरिवेशन उसके इक्वेशन उस इक्वेशन के अल्टरनेट फॉर्म्स और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन और अक्सर पूछे आते हैं और मतलब वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन माने जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ पाथ या टेक्ट्री निकालना तो बोर्ड लेवल का स्कूल लेवल का क्वेश्चन है स्कूल में पूछते है, पूछते हैं और बढ़िया अच्छे खासे क्वेश्चन बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ निकालना उसके ऊपर क्वेश्चन करना ये हम लोग नया इसमें इस जरूर करेंगे तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ का पहले तो मतलब समझ लीजिए क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपस में क्या रिलेशन रखते हैं मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया यहाँ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है ये यह यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से आता जा रहा है अभी जब ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है तो हमें उसके मोशन में उसके कॉर्डिनेट्स जो पोजिशन कॉर्डनेट्स होंगे वो चेंज हो रहे हैं मान लीजिए मैंने इसको ओरिजिन मान लिया ये वाला पॉइंट ओरिजिन है और चलते चलते जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ कहीं पर पहुँचा और उसके कॉर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई उसके पोजिशन कॉर्डिनेट्स हैं तो x और y कोऑर्डिनेट में आपस में जो रिलेशन होगा वो ये डिसाइड करेगा कि पाड़किल का पाथ कैसा है अब यहाँ प्रोजेक्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ इन जनरल बता रहा हूँ जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू सी है तो x एक्सेस के पहले लाइन होगी x इज इक्वल टू सी है तो y एक्सेस के पहले लाइन होगी y इज टू एम एक्स है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी y इज इक्ल टू एम एक्स प्लस सी है तो स्ट्रेट लाइन विद सम इंटरसेप्ट होगी एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर है तो सर्कुलर पाथ होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वन है तो इलिप्टिकल होगा एक्स स्क्न ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो हाइपर बोल अपॉन है तो हाइपर हाइपरबोला होगा तो वो X, y के बीच में रिलेशन डिसाइड करेगा प्रोजेक्टाइल की क्वेश्चन क्या होती है वो हम लोग अभी कभी डिराइव कर लेते हैं क्या मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करके दो कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक करके प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था बट एक बार दोबारा कर लेते हैं हम लोगों ने माना कि एक प्रोजेक्टाइल जू से फेंका गया है और वो एक थीटा का एंगल बना रहा है ये रहा थीटा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे u cos थीटा और होगा y में u sin थीटा x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता प्रोजेक्टाइल मोशन में x वाला मोशन यूनिफॉर्म होता है y में एक्सेलेरेशन होता है g y में जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड होता है तो किसी भी मोमेंट पे जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे x की x इसका आप बोल दो x में पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है

ई है।, है हमको क्या चाहिए में आपस में रिलेशन चाहिए टाइम के साथ नहीं चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें टाइम का फैक्टर हटाना पड़ेगा तो कैसे हटाएंगे टाइम का फैक्टर तो देखिए पहली इक्वेशन से एक्स इज इक्वल टू यू कॉस्थिटा टी से टी को हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन यू कॉस्थीटा और टी की जो वैल्यू आए वो दूसरे में सब कर दें दूसरे में टी की जगह तो जैसे आप रखोगे यहाँ पे इस दूसरी वाली एक्सा पॉसा जाएगा तो क्या बचेगा एक्स बचेगा कितना इस वाले हाफ जी टी स्क्सा पॉन यू को स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा

कैसे बताता है अगर एक्स हो तो कौन क्यों पैरा बोला अगर एक्स स्क्नगेटिव हो तो कॉन्वेक्स पैरा बोला तो यहाँ पे बताओ कॉप्स कैसा पॉजिटिव की है है तो कौन सा पैराबोला बनेगा कॉन्वेक्स पैराबोला ये रहा आपका कॉन्वेक्स पैराबोला ये तो बनाया था इसीलिए प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कॉन्वेक्स पैराबोला होता है क्या होता है कॉन्वेक्स पैराबोला प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कॉन्वेक्स पैराबोला होता है वो हम लोग यहीं से डिराइव करते हैं Projectile का कॉन्वेक्स बोला मैंने बोला था अल्टरनेट फॉर्म भी कराऊंगा कर ले लिया तो यहां तो लिखा ही हुआ था अब आप क्या करिए से डिवाइड करिए तो देखिए एक एक्स से कट एक गया है ना और टेन tan टीटा को मैंने लिख लिया sin थीटा

और तो आर बन चुका है ये आगे फॉर्म जो आपको याद एक थीटा के भीतर वन एक आर। फिर से मैं क्लास में कराता हूँ तो एक नाम दे देता बोलते वन पोल क्वेश्चन सिंगल पोल क्वेश्चन एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया है एक एच हाइट का एक पोल है जो कि जहां से फेंका गया प्रोजेक्शन वहां से ए की डिस्टेंस पे जब प्रोजेक्टाइल फेंका गया तो इस पोल को टच करता हुआ दूसरे साइड वो गिरा जाके पोल से बी की डिस्टेंस पे पोल से कितने की डिस्टेंस पे बी पे तो हमको बताना है कि ये जो एंगल बनेंगे अगर हम पोल को कनेक्ट कर दें डायरेक्टली प्रोजेक्शन से और जहां पे वो, वो लैंड कर रहा है तो जो एंगल बनेंगे अल्फा और बीटा अल्फा बीटा एच ए बी में क्या रिलेशन होगा

जगह रेंज रेंज कितनी होगी तो भैया ये A है, ये बी रेंज वन माइनस ए अपॉन ए प्लस बी ए प्लस बी में से एपॉन ए प्लस बी तो बी अपॉन ए प्लस बी इसे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी अपॉन ए प्लस बी बन गया एच इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी टेन तो टेन थीटा बन जाएगा एच ए प्लस बी अपॉन ए बी टेन इज इक्वल टू एच

लगा के किया अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं टू पोल क्वेश्चन कहते हैं दो पोल हैं सेम हाइट की और प्रोजेक्टाइल उनको फेंका गया उनको दोनों को टच करते हुए ऐसे चला जा रहा, रहा प्रोजेक्टाइल पहली पहली उस उसी हाइट पे दोबारा प्रोजेक्टाइल एक बार एसेंट पे गया होगा और डिसेंट करते वक्त जीरो बताना तो आप देखिए सिमेट्री से जितना ये टाइम टीवन है तो ये वाला टाइम भी t1 होगा उतना नीचे आने में ये वाला टाइम भी t1 होगा तो t2 t1 जोड़ दो तो t1 t2 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा तो t1 t2 tf तो t1 t2 तो टोटल टो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u sin थीटा अपॉन g क्वेश्चन एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया 40 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे 40 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे तो t इज इक्ल टू वन पे जहां पे था वहाँ पे दोबारा किस आइड पे आएगा मतलब उसी आइड पे दोबारा किस टाइम पे आएगा सॉरी तो आपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला टू यू साइन फोर्टी साइन थर्टी अपॉन टेन टू इंटू फिफ्टी एटी साइन थर्टी हाफ तो फोर्टी अपॉन टेन फोर सेकंडी की टी इज टू पे जहां पे है वहां पे टीज इक्ल टू थ्री पे आएगा क्योंकि टी वन प्लस फोर हो रहा है तो आपने इस तरह से निकाल लिया ठीक अब इसमें कौन सी हाइट है वो भी निकाल सकते हो थीटा वाली हाइट भी निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो एवरेज वेलोसिटी वैसे अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट वाई में हो ही नहीं रहा है सिर्फ एक्स में हो रहा है एक्स वाली वेलोसिटी जो कि पहले के हमेशा थीटा रहती है तो उससे आप ये बाकी चीजें भी कर सकते हो जिसका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है पर यह मैं क्वेश्चन में करा रहा था तो वहाँ पे बताया होगा आई होप एक क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्ट्री तो निकालना समझ गया होगा डिराइव करना और उसको कैसे सिंगल पोल क्वेश्चन में यूज करते हैं ठीक तो इसी के आगे हम लोग अगले वीडियो करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रिमेनिंग चीजें रह गई हैं कुछ फेमस फेमस क्वेश्चन बॉल रोलिंग ऑन एस्टेयर केस और आपका जैसे एरोप्लेन से बॉम्ब ड्रॉप करने वाला क्वेश्चन ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे